मैं आपको ईद फेशियल बनाना बताऊंगी एट होम, बहुत इजी रेमेडीज के साथ आप घर में 0 रुपीज में ईद फेशियल बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्लेंजिंग करनी होगी और क्लेंजिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल और अर्के गुलाब। सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल का 1 स्पून लूंगी, 1 टीस्पून ये मैं एलोवेरा जेल का ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं 1 विटामिन ई का कैप्सूल, ये मेरे पास 200 mg है जो मैं 1 यूज कर रही हूँ। ये मेरे पास रोज पाउडर है। ये 1 टीस्पून मैंने लिया है एलोवेरा जेल, सॉरी अर्के गुलाब। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और इससे मैं फेस की क्लेंजिंग करूंगी 5 to 10 मिनट। मैंने यहाँ पे 5 to 10 मिनट क्लेंजिंग कर ली है। क्लेंजिंग करने के बाद ही इंस्टेंट ग्लो फेस पे आ गया। इसके बाद मैं एक्सफोलिएशन करूंगी। एक्सफोलिएशन के लिए मुझे चाहिए होगा राइस फ्लोर। मैंने ना यहाँ पे राइस जो है मैंने उनको ग्राइंड करके ऑलरेडी घर में रखा हुआ है। ये राइस फ्लोर बना हुआ मेरे पास, ये मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून मिल्क, कोल्ड मिल्क है मेरे पास ना, ये आपकी स्किन की क्लेंजिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच टर्मरिक, ये देखें जो राइस फ्लोर है ये भी हमारी स्किन से सन टैन खत्म करता है और एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छा है ये ना। इससे मैं स्क्रबिंग करूंगी फेस की 10 मिनट के लिए। ये मैं अपने हाथ पे स्क्रबिंग कर रही हूँ, ये आपने सर्कुलर मोशन में करनी है। जब भी आप अपने फेस पे स्क्रबिंग कर रहे होंगे इसको सर्कुलर मोशन में आपने करना है, चीक्स पे भी, और चीक्स पे बहुत ज्यादा नहीं आपने करनी है स्क्रबिंग। और अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है तो आपने बिल्कुल भी स्क्रबिंग चीक्स पे बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ नोज पे कर लें या फोरहेड पे कर लें स्क्रबिंग। इसके बाद अपने व्हाइट हेयर्स और ब्लैक हेयर्स अपने रिमूव करने हैं। एक्सफोलिएशन के बाद अब बारी आ जाती है हमारे ब्लैक हेयर्स रिमूव करने की। ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेड जो होते हैं वो ज्यादातर नोज पे होते हैं, नोज वाली साइड पे आप अच्छे से साफ उसको निकाल लें। फेस मास्क के लिए मैं यहाँ पे यूज करी ग्राम फ्लोर बेसन 1 टेबल स्पून, मैंने ग्राम फ्लोर लिया है और बेसन में डाल रही हूँ मैं हनी। हनी भी मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी इसमें। वन टेबल स्पून मैंने इसमें हनी लिया और इसमें मैं 1 टेबल स्पून ही मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये मास्क आपने 15 मिनट अपने फेस पे अप्लाई करके रखना है। 15 मिनट की आपने मास्क अपने फेस पे लगाना है। उसके बाद आपने कोल्ड वाटर से या वार्म वाटर जो भी है उससे अपने फेस अपना वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने अपने फेस पे टोनर अप्लाई करना है, कोई सा भी आप रोज वाटर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, ज्यादा बेहतर है रोज वाटर अप्लाई कर लें उसके बाद ना जी। घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, सारी इजी रेमेडीज हैं जो आप इजीली हर घर में अवेलेबल होती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसको यूज करें और आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी इसका मिले तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।